हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों आज हमारे सामने खड़ी है स्कोडा की स्लाविया। अगर आपका बजट 11 लाख से 18 लाख साढ़े 18 लाख के बीच में है और आप एक बढ़िया सी लंबी सीडान विद मैक्सिमम कंफर्ट एंड मैक्सिमम सेफ्टी चाहते हैं तो आप पक्का इस कार को कंसीडर कर सकते हैं। स्लाविया कम्पीट करती है मारुति सुजुकी सियाज से, होंडा सिटी से, ह्यूंडई वर्ना से और फोक्सवैगन वेंटो से। ये कार आपको तीन वेरिएंट्स में अवेलेबल है, एक्टिव, एम्बिशन और स्टाइल। प्राइस स्टार्ट हो जाती है 11.29 लाख से और जाती है 18.40 लाख एक्स शोरूम तक। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये स्टाइल वेरिएंट है जिसकी प्राइस आपको पड़ने वाली है 16.99 लाख एक्स शोरूम। मैनुअल वाला वेरिएंट है ये, इसी में आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो कंप्लीट वॉक अराउंड करेंगे इसी कार का, देखेंगे क्या क्या हमको इसमें देखने को मिलता है, इसीलिए वीडियो में बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं की फॉब से, तो कुछ इस तरह की आपको दो फ्लिप कीज आपको इसमें ऑफर करी जाती है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, जिसमें लॉक, अनलॉक और बूट ओपन के आपको बटन दिए गए हैं और क्वांटिटी है दो। अगर आप फ्रंट फेशिया की तरफ ध्यान दें तो आपको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में ग्रिल मिलेगी जिसके किनारे किनारे क्रोम लगा हुआ है, प्लस ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको ग्रिल देखने को मिलती है। और ये ग्रिल बहुत यूनिक डिज़ाइन है, स्कोडा की लगभग हर कार में आपको इस तरह का ग्रिल देखने को मिलेगी, किसी में क्रोम के साथ, किसी में ग्लॉस फिनिश के साथ। रेडिएटर ग्रिल की बात करें, आपको हनीकॉम पैटर्न में रेडिएटर ग्रिल ऑफर करी जाती है, वहीं आप ये अंडरबॉडी देख सकते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस है 145 mm का। तो ये रही आपकी फ्रंट प्रोफाइल। बॉडी लाइन पे क्रीचेज आप देख सकते हैं जो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। हेडलाइट सेटअप की तरफ आगे बढ़े तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे, प्लस इंडिकेटर आपका ये प्लेस किया गया है, क्रोम का इंसर्ट आप किनारे किनारे देख सकते हैं। वहीं अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको क्रोम दिखेगा, प्लस साथ में फॉग लैम्प की प्लेसमेंट जो कि हैलोजन में है देखने को मिलती है, उसी किनारे किनारे हनीकॉम पैटर्न में मैश देखने को मिलेगी। फ्रंट वाइपर्स और सामने आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स की प्लेसमेंट दी गई है। ये रही आपकी साइड प्रोफाइल। कार बहुत लंबी है, लंबाई है 4541 mm। टायर साइज की बात करें तो आपको कुछ इस तरह के टायर्स देखने को मिलेंगे जो सीएट के दिए गए हैं और उनका साइज है 205/55R16। 16 inches के अलॉयज देखने को मिलेंगे, प्लस स्कोडा का लोगो आप देख सकते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क देखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ आप ये फ्रंट सस्पेंशन देख सकते हैं। व्हील आर्चेज आपको बॉडी कलर में है, स्कोडा का लोगो, और ये बहुत बेहतरीन लग रहा है। बॉडी कलर में ORVMs और उसी पे आपको इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों कुछ इस तरह से ये खुलते हैं, ऑटोमेटिकली रिट्रैक्टेबल है ये, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है। डोर हैंडल्स आप देख सकते हैं कुछ क्रोम में है, प्लस रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। विंडो पैनल आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत क्रोम का यूज़ देखने को मिल जाएगा। ऊपर है सनरूफ, वहीं पीछे आपको ब्लैक में शार्क फिन एंटीना ग्लॉसी ब्लैक में देखने को मिल जाता है। दोस्तों क्वार्टर पैनल आप देख लीजिए, यहाँ पे भी बढ़िया सा आपको क्रोम यूज़ करने को मिल जाएगा, प्लस पेट्रोल इंजन ऑप्शंस के साथ आपको ये देखने को मिलता है। रियर प्रोफाइल आप देख लीजिए, कुछ इस तरह से आपको लाइट का सेटअप देखने को मिलेगा। TSI की बैजिंग, इसमें आपको 1.5 लीटर का TSI इंजन देखने को मिलेगा। नीचे रिफ्लेक्टर और नीचे भी क्रोम का यूज़। पार्किंग सेंसर की बात करी जाए तो 1, 2 और 3, टोटल 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको इसमें ऑफर किए जाते हैं। स्लाविया की बैजिंग, स्कोडा यहाँ पे लिखा हुआ है, सेंटर स्टॉप माउंट लैंप, डिफॉगर और शार्क फिन एंटीना। चलिए एक बार इसका बूट खोल लेते हैं। अगर आप बूट खोलेंगे तो कुछ इस तरह से आपको बूट ऑफर किया जाता है। 521 लीटर का मैसिव बूट स्पेस आपको इस क्लास में ऑफर किया जाता है, लेकिन बूट में ऊपर लैंप देख पाएंगे और थोड़ा ओपन स्पेस भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी खुला पोर्शन है। अगर आप नीचे जाएंगे तो आप नीचे देख सकते हैं कि स्पेयर टायर आपको दिया हुआ है, और स्पेयर टायर का साइज़ देखें तो आपको MRF में है, प्लस साइज़ आपका दिया है 205/55R16। सेम साइज़ के टायर्स स्टील रिम्स में आपको ऑफर किए जाते हैं। दोस्तों चलिए इसको बंद कर देते हैं। अब समय आ गया अंदर चलने का, तो कुछ इस तरह से आप डोर ओपन करेंगे और आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का आपको डोर पैनल प्लस इंटीरियर देखने को मिलेगा। डोर अच्छा खासा खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप डोर पे देखिए, लेकिन उससे पहले आप इंटीरियर देख लिए। ब्लैक एंड बीच कलर में इंटीरियर आपको देखने को मिलता है। दोस्तों डोर पैनल आप देख सकते हैं ब्लैक और बीच कलर में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। पावर विंडो के कंट्रोल्स प्लस ORVM के कंट्रोल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ग्रैब हैंडल्स ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का यहाँ पे यूज़ हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा क्रोम का यूज़ हुआ है। स्पीकर की प्लेसमेंट
बॉटल होल्डर और थोड़ी सी और जगह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ब्लैक एंड बेज कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। अंदर चलने से पहले हम देख सकते हैं कि आपको जो ड्राइवर सीट है उसमें आपको मैनुअली एडजस्टमेंट करने को मिलेगा। ये इलेक्ट्रिकली होना चाहिए था, मैनुअली दिया है कोई बात नहीं। सीट फैब्रिक की बात करी जाए तो आपको प्रॉपर लेदरेट सीट्स देखने को मिलेंगी। और यहाँ आप देख सकते हैं आपके एक्सेलेरेटर, ब्रेक और क्लच, और उसी के साथ में डेड पैडल। यहाँ पे आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं प्लस हेडलाइट लेवलर। ये कलर देख रहे हैं आप, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एसी के वेंट्स यहाँ पे आप स्कोडा लिखा हुआ देख सकते हैं। अंदर बैठने के बाद एक बार आप कंसोल देख लीजिए, कुछ इस तरह से ऑन होता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एकदम डिजिटल और बहुत प्यारा लगता है। एक बार गाड़ी खोला, मैं क्लस्टर एक बार ऑन करके दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इधर का दिखा दूँ आपको। इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच यहाँ पे ऑफर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ दिखा चुका हूँ मैं, एक बार आपको क्लस्टर देखो। आप कुछ इस तरह का आपको क्लस्टर देखने को मिलेगा और इतना प्यारा लग रहा है कि कुछ कहने का नहीं। येलो प्लस वाइट प्लस ब्लैक थीम बहुत अच्छी है। इधर आप देखेंगे तो आपको स्टेयरिंग कुछ इस तरह से राउंड स्टेयरिंग विद टू स्पोक स्टेयरिंग देखने को मिलेगा, बीच में स्कोडा का लोगो। यहाँ पे आपके सारे वॉल्यूम वाले कंट्रोल्स, वॉइस कंट्रोल्स, इधर आप देखेंगे तो कुछ ये वाले कंट्रोल्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा क्रोम का यूज, प्लस अगर आप इस तरफ साइड में आएंगे तो आपको ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स यहाँ देखने को मिल जाएंगे। प्लस इधर आप देखेंगे तो आपको क्रूज कंट्रोल प्लस लाइट्स के कंट्रोल आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों एक बार आप इसका पूरा इंटीरियर देख लीजिए, कुछ इस तरह से इंटीरियर ऑफर किया जाता है। ये जो कलर है ना आपका, इसको क्या बोल सकते हैं, ब्राउनिश शेड है जो बहुत अच्छा लग रहा है, और ये पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में यहाँ तक स्ट्रेच होता है। इधर आप फ्रंट में एक बार देख लीजिए, कार का फ्रंट से जो व्यू है कुछ इस तरह का दिखेगा, बोनेट का एंड तक दिख रहा है आपको यहाँ से। इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करी जाए तो आपको इसमें 8 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिलेगा जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायर्ड सपोर्ट करेगा। नीचे आएंगे तो एसी के कंट्रोल्स, और यहाँ पे भी आपको जो ना डायमंड का यूज किया गया है, हजार्ड लाइट। प्लस नीचे आएंगे तो सारा ऑटोमेटिक एसी, एयर प्यूरिफायर, फ्रंट की वेंटिलेटेड सीट्स, हीटिंग कूलिंग सारा आपको यहाँ पे, फैन की स्पीड सब दिया गया, ये भी टच में है, ठीक है। ये सारा कुछ ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। नीचे आपको थोड़ा सा स्पेस, वायरलेस चार्जिंग, मेरे को लगता है कि यहाँ वायरलेस चार्जिंग है। प्लस यहाँ पे दो टाइप सी के पोर्ट आपको दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। अब इधर आएंगे तो आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है। प्लस इधर आएंगे तो आपको इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप, वेंटिलेटेड सीट के फंक्शन, लॉक करने का, पीछे की जो डोर्स हैं उसको लॉक करने का फंक्शन है, ठीक है। इधर आएंगे तो आपको इधर की वेंटिलेटेड सीट का फंक्शन, गियर नॉब काफी अच्छा है, क्रोम का यूज किया गया है। साइड में देखेंगे तो कप होल्डर, 12 volt का सॉकेट, मैनुअल हैंड ब्रेक। इधर आप देखेंगे तो आर्म रेस्ट है, स्लाइडिंग है, प्लस सॉफ्ट है। स्पेस आप देख लीजिए कितना स्पेस है, ठीक ठाक स्पेस आपको इसमें ऑफर किया जाता है। सीट्स परफोरेटेड लेदर प्लस वेंटिलेटेड आपको ऑफर करी जाते हैं। कलर कॉम्बिनेशन आप खुद देखिए और डिसाइड करिए। एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सनरूफ मिलेगी। एक बार ऑपरेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप देखिए कुछ इस तरह की सनरूफ आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, जो वन टच है, वन टच ओपन और वन टच क्लोज, ये हो गया। इधर आप आएंगे ऑटोमेटिक IRVMs, प्लस यहाँ पे आपको लाइट्स दिए गए हैं, ठीक है। आपको ये लाइट्स के ऑप्शन दिए हैं जो कि LED में है, ठीक है। और इधर आप आएंगे तो आपको वैनिटी मिरर देखने को नहीं मिलेगा। को पैसेंजर साइड में वैनिटी मिरर ऑफर किया जाता है। ग्रैब हैंडल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। सीट बेल्ट एडजस्टेबल हाइट वाली नहीं है। एयर बैग पक्का इसमें 6 होंगे, इसीलिए यहाँ पे भी दिया गया है, ठीक है। ये मैं डिटेल्स आपको मेंशन कर दूंगा। ट्विटर की प्लेसमेंट आप देखिए, आपको ये ट्विटर की प्लेसमेंट दी है। प्लस ये देखो, ये क्लिप्स, जैसे फॉरेन में बोलते हैं टिकट होल्डर, आपका ये जो फास्टैग वाला, चाहो तो फास्टैग यहाँ लगा लो, वहां पे जाके जो पर्चियां कटती है वो लगा सकते हो, वो कट गया आपका चलान कट गया वो लगा सकते हो। तो ये सारा फंक्शन आपको इसमें यहाँ पे यूज कर सकते हो। ग्लव बॉक्स आप देख लीजिए, ग्लव बॉक्स आपको इसमें इतना बड़ा मिलेगा, प्लस कूल्ड मिलेगा। ये ऑप्शन मुझे काफी अच्छा लगा। बाकी सारी चीजें मैं आपको दिखा चुका हूँ, एक बार पीछे चलते हैं और पीछे चल के सीट पे देखते हैं कि कैसा है। बैक सीट आप देख लो, कुछ इस तरह से हम एंटर करेंगे और सीधा बैठते हैं। यार क्या दिखाना, डोर के कंट्रोल्स आप देख लो, यहाँ पे सॉफ्ट टच है, ये हार्ड टच है, एक वाइट कलर में है, यहाँ पे क्रोम यूज हुआ है, यहाँ ट्यूटर की प्लेसमेंट है, यहाँ नीचे स्पीकर की प्लेसमेंट है। लेग रूम बहुत अल्टीमेट है। ड्राइवर की सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है। आप देखो थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। ये सब चीज मुझे, मतलब इनकी गाड़ियों में ना, मोंटे कार्लो में भी प्लस इसमें स्लाविया में भी,
पीछे की कंफर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एसी के वेंट दिए, नीचे दो टाइप सी पोर्ट है और यहाँ पे थोड़ा सा हम्प दिया हुआ है। सीट की बात करी जाए तो आपको तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, प्लस बीच में आपको कप होल्डर देखने को मिल जाएगा। पीछे लाइट के फंक्शन है जो कि एलईडी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और पीछे से आप देखेंगे तो केबिन कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, बहुत एयरी फील होगा। ऊपर आप देख सकते हैं सनरूफ दिया हुआ है। साइड में देखेंगे तो आपको ग्रैब हैंडल्स विद कोट हुक हैंगर, इधर भी आपको ग्रैब हैंडल विद कोट हुक हैंगर दे रखा है। ये कार आपको दो इंजन ऑप्शंस में देखने को मिल जाएगी। पहला 1 लीटर जो ऑटोमेटिक और मैनुअल में आपको देखने को मिलेगा, जो देगा 113 bhp की पावर, 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और दूसरा है 1.5 लीटर का इंजन जो कि आपको प्रोड्यूस करेगा 147 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और ये 1.5 लीटर इंजन आपको मैनुअल और 7-speed DSG गियरबॉक्स के साथ देखने को मिल जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीट रिव्यू। अब गाड़ी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आए तो वो भी बताइएगा, ना पसंद आए तो भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।